11/1/2014 को स्टॉक प्राइस थी, 11/1/2020 को स्टॉक प्राइस थी, 23 मार्च 2020 को जब निफ्टी लोएस्ट पॉइंट पे था तब स्टॉक प्राइस थी, और करंट प्राइस है 11/1/2014 को स्टॉक प्राइस थी, 11/1/2020 को स्टॉक प्राइस थी, 23 मार्च 2020 को जब निफ्टी लोएस्ट पॉइंट पे था तब स्टॉक प्राइस थी, और करंट प्राइस है 11/1/2014 के दिन 1 लाख रुपए दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए। छह साल बाद इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 1 मार्च 2020 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए की अगर हमने 8% इंटरेस्ट से फिक्स डिपॉजिट की होती तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती। एफडी के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया, दोनों स्टॉक्स ने कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया? विनर है आज अगर किसी को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो वो क्या करे? दोनों में से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करे, निफ्टी 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे या एफडी में करे? दोनों शेयर के और निफ्टी के एन्युअलाइज रिटर्न परसेंटेज हमने देखे, वही रिटर्न परसेंटेज अगर भविष्य में भी कंटिन्यू होंगे तो 1 साल के बाद क्या होगा, आइए देखते हैं। थैंक यू।